सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। चाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, जिसे हम चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस दिन चाय ना पियो तो मानो ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। भारत में लगभग 90% लोग सुबह नाश्ते से पहले चाय जरूर पीते हैं, और इनमें से अधिकतर लोगों को पता है कि सुबह खाली पेट चाय पीना नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं, क्योंकि हमारे बीच ये धारणा बन चुकी है कि बिना सुबह की चाय पिए काम नहीं चलता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको चाय से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें ज़रूर जाननी चाहिए। तो आइए, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि सुबह खाली पेट चाय पीने से आपको कौन कौन से नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि सुबह आँख खोलते ही उन्हें चाय चाहिए होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चाय पीते ही आपको मतली या फिर उल्टी आने लगे। जी हाँ, चाय में ढेर सारा एसिड होता है, जिसे खाली पेट सुबह पीने से पेट के रस पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कई लोगों को सुबह चाय पीते ही उल्टी आने लगती है, जो कि सही नहीं है। इसलिए सुबह कभी भी खाली पेट चाय ना पिए। हमारे यहाँ चाय की कई वैरायटी होती है, जैसे काली चाय, नींबू की चाय, दूध की चाय, कड़क चाय। यूं तो काली चाय सुबह पीना नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि ये मोटापा कम करता है, लेकिन अगर इसमें दूध मिला दिया जाए तो ये चाय बेहद नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि जो लोग खाली पेट बहुत अधिक दूध वाली चाय पीते हैं, उन्हें थकान का एहसास होता है। चाय में दूध मिलाने से एंटीऑक्सीडेंट का असर खत्म हो जाता है और वो पेट में एसिडिटी बनाती है। वहीं कई लोग कड़क चाय के काफ़ी शौकीन होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि खाली पेट कड़ी चाय पीने से पेट को नुकसान पहुंचता है। सुबह सुबह खाली पेट कड़ी चाय पीने से पेट में अल्सर और एसिडिटी हो सकती है। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ब्रांड की चाय पत्ती की महक पसंद आती है तो किसी का स्वाद, और हम दोनों को एक साथ मिला देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि दो अलग अलग चाय मिलाकर पीने से भी बहुत नुकसान होता है। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि अगर आप दो अलग ब्रांड की चाय एक साथ मिलाकर पियेंगे तो उसका असर काफ़ी तेज होगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने नशा किया हो। सुबह खाली पेट तो चाय पीते ही हैं, लेकिन कई लोग दोपहर के खाने के बाद भी चाय पीने के शौकीन होते हैं। आपको बता दें कि चाय में टैनिन होता है, खास तौर पर गहरे रंग वाली चाय में। ऐसे में वह आपके खाने में मौजूद आयरन के साथ रिएक्ट कर सकती है, इसलिए दोपहर के खाने के बाद भी कभी चाय ना पिए। खास तौर पर पुरुषों में चाय पीने की आदत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको बता दें कि इससे प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है। जी हाँ, जो पुरुष दिन में 5 कप चाय पीते हैं, उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी बातें एक रिसर्च में सामने आई है। वहीं ज़्यादा गर्म चाय पीने से भी नुकसान होता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपे एक रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा गर्म चाय पीने से खाने की नली या गले का कैंसर होने का खतरा 8 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तेज़ गर्म चाय गले के टिश्यू को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आपको भी चाय पीने की लत है और सुबह बिना चाय पिए नहीं रह सकते, तो आप चाय के साथ बिस्किट ज़रूर खाएं। चाय के साथ बिस्किट या अन्य चीज़ें खाने से पेट द्वारा चाय अच्छी तरह से पचा ली जाती है। दूसरी ओर, चाय के साथ नमकीन या मीठा खाने से शरीर को सोडियम की प्राप्ति होती है, जिससे अल्सर नहीं होता। तो सुबह सुबह जब भी चाय पिएं तो इन सारी बातों को एक बार ज़रूर सोचें, क्योंकि ये आपको मॉर्निंग एनर्जी नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी को कम कर देती है और आप कई तरह के बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।